कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें की जरूरत होती है, एक तो है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा है आपका वाई कोऑर्डिनेट। इसको एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स दिशा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। दो पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस निकाल रहा हूं तब हम एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे ये है आपका 2, 3 और बी है आपका 4, 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है इसको हम एक्स कहते हैं, यानी एक्स वन कर लो ये आपका हो जाएगा 5। सेम एज आपका ये हो जाएगा एक्स टू और ये हो जाएगा आपका 5 बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करो और हम फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू निकालने का। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है आप उससे एक्स टू की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 4 है ना, 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद इसको पुट करना है। सेम 4 माइनस 2 ना 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद आपका देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और -2 का स्क्वायर अगेन 4 और 4 प्लस 4 हो गया आपका 8। अब 8 को अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा आपका 8 यानी 4 2 2। रूट से जब बाहर निकालना होता है तो हम पेयर बनाते हैं, पेयर अगर बन जाता है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। आपका आ जाएगा 2 रूट 2 वैल्यू। That is 10 between